अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सईद। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सईद सदीर हुसैन काजमी है। मैं छम डोबा सजदा का रहशी हूँ और मेरा निकाह छम डोबा सजदा के मकाम पर हुआ था 2017 में। क्योंकि रुखसती नहीं हुई थी, सईदा गुलाम तूल मेरी मंगू बीवी थी, जैर तालीम थी सानिया ज़्यादा में। कुछ मेरा निकाह और चंद मजलिस के दरमियान हुआ था। उसके बाद मेरा जो अकमेर रखा गया था वो 2,25,512 रुपये तय हुआ। उसके बाद क्योंकि उन्होंने पहले भी कई तलाक़ें ले चुके हैं अपनी बहन की और अपने भतीजे की, अब उन्हें एक मेहर का चस्का पड़ गया है, जिसके पेशे नज़र वो उन्होंने 10,00,000 रुपये मेहर की डिमांड की और रजिस्टर हुआ मेरा निकाह। क्योंकि अब वो ये मैंने कई कार्रवाइयाँ भी की, रुखसती भी नहीं हुई, जिसके पेशे नज़र DIG साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को और उसके पेशे नज़र IG साहब को मैंने दरख्वास्त दी, जिसकी समाप्त नहीं हुई। और क्योंकि एक रात मुझे खुद अवलात में थाना चिनारी में बंद कर दिया गया। जनाब अल्लाह से, गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से मैं अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मीडिया से, ये मेरे मौक़िफ़ हैं, जनाब से गुजारिश है। और अब मुझे ड्राया दम कहा जा रहा है कि मैं आपको, मेरी जान को ख़तरा है कि हम अपने मकान को, अपने घर को, अपने कुछ नुकसान करके आपके ज़िम्मे डाल देंगे। अब मैं मीडिया से और IG साहब से, DIG साहब से, इंतज़ामिया से गुजारिश है मेरी कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अब 5 साल मेरी ज़िंदगी 2017 से लेके आज दिन तक 5 साल हो चुके हैं, मेरी रुखसती नहीं हुई। क्योंकि रुखसती होने के बाद भी मुझे और तलाक का दावा किया जा रहा है कि मैं तलाक हो चुकी है, मैंने कोई तलाक नहीं दी और मुझसे जबरन दस्तखत करवाए गए हैं। ये मैं दावा करता हूँ, मेरी कोई तलाक नहीं है। फिकह जाफरी के मुताबिक 3 तलाक़ें होती हैं और जबरन तलाक, गुस्से में तलाक इस्लाम के पेश नज़र होती ही नहीं है। अब मेरे गुजारिशात हैं कि मैं अपना घर आबाद करना चाहता हूँ, मुझे जबरन और ज़दोकोफ किया जा रहा है, किसी कोई इंतज़ामिया कोई भी मेरी बात सुन नहीं रहे। अब आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म से मेरी अपील है, दरख्वास्त है कि उस मामले का नोटिस लिया जाए, मुझे ज़दोकोफ में इसके पेश नज़र मैं गुजारिशात हूँ। अब मैं मीडिया के पास भी आया हूँ, क्या मुझे इंसाफ मिल सकता है या नहीं। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने निकाह किस के साथ किया, उस खातून का नाम क्या है, उसकी वालद का नाम मेरा निकाह सईदा गुलाम बतूल से हुआ था 2017 में। उसके बाद उसका वालद का नाम है सईद अख्तर हुसैन, वो भी मेरे गांव के हैं, छम डोबा सईदा के रहशी हैं। अब वो मुझे इनकारी कर दी रुखसती होने से पहले ही, कुछ मेरे जिम्मे भी कुछ बातें प्रोटोगंडे बनाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही मैं तलाक का ख्वाहिशमंद हूँ, ना ही मैं दूँगा। अब अगर उसके बाद 2,25,512 रुपये मेरा हक में तय होने के बाद उन्होंने डिमांड की 5,00,000 की, फिर डिमांड की 10,00,000 रुपये की। अब वो कहते हैं कि हम इसको अदालत में दावा कर देंगे, जो कि अद्धा मेहर आपको देना पड़ जाएगा 5,00,000। अब मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता और मैं उनको पैसे सर दे सकूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने किसी कानूनी अदारे से भी रब्ता किया, पुलिस से रब्ता किया? जी बिल्कुल, किससे? मैंने सर थाने चिनारी में दरख्वास्त सबसे पहले दी और मेरे लाखों रुपए खा चुके हैं। कौन? वो मेरे ससुराल वाले। अच्छा। बतौर में कर्ज उधार भी दिए हैं। अच्छा। वो वापसी करने का इनकार नहीं, मेरे निकाह पे पुलिस वालों ने आपको क्या कहा? अब उन्होंने कहा जी हमारा मामला ये है ही नहीं है, ये मामला अदालत का है। अदालत में आपने केस दायर किया? केस मैंने इस्तखासा भी किया। हाँ। अब मुझे वहाँ पे भी धमकी में रही हैं, अब मेरे पास उनका कुछ सबूत भी है। अच्छा, अगर आप देखना चाहें, वो कह रहे हैं उनको धमकी शमकी, ये अभी आज ही अदालत में वो मौजूद थे, ये सारे पुलिस वाले साथ खड़े हैं।
अच्छा आफ्ताब काजमी है जिनका नाम है, अच्छा आफ्ताब काजमी, अब इनको लेके अदालत में वो आर्थिक मामला में रुकावट बन रहे होंगे। अच्छा आफ्ताब काजमी पुलिस में? पुलिस में सर। क्या वालदार है मेरा या मुंशी है? अच्छा ये सिटी थाने में मेरे गाँव के हैं। अच्छा अब वो बंदे भैया बंदा सर साथ खड़ा है अख्तर हुसैन। अच्छा अख्तर हुसैन साथ खड़ा है, ठीक है सही है। ये मैंने दूर से बनाई थी, अगर करीब जाता तो वो मसला बन जाता था। सही है। अब मेरा कहने का मकसद ये है कि मुझे रुकती भी नहीं हुई और मुझे ऊपर से धमकी दी जा रही है कि मेरे वाले साहब एक मुलाजम है। आपके वाले साहब का नाम? सही जहर हुसैन कादमी। अच्छा रेंजर पुलिस में है। अच्छा अब वो उन्हें कहते हैं कि आप अगर कुछ भी तलाक नहीं देंगे हम आईजी के पास डीआईजी के पास आपके पास कार्रवाई करेंगे, आपके खिलाफ दरखास्तें करेंगे। अच्छा जिसके पेशे नज़र सर मुझे हर मामलात में रुकावट आ रही है। एक दिन मैंने जब आप मुतालबा किससे कर रहे हैं कि आपको इंसाफ दिलाने के लिए आप किससे मुतालबा कर रहे हैं? अब देखें मैंने आईजी साहब को दरखास्त दी, अब उस पर कोई अमल दरामद हुआ? कुछ भी नहीं हुआ सर। जब मैंने आईजी साहब को दरखास्त दी, ये सर मैंने टीसीएस की थी आईजी साहब को, एक दरखास्त मेरी आई थी और ये एक दी थी टीसीएस का, ये पर्ची है चीफ सेक्रेटरी साहब को। अच्छा आईजी साहब की जब थाने में चिनारी दरखास्त आई, यहाँ से एसपी साहब ने एसपी दयाल साहब ने मार की थाने में। अच्छा वहाँ पे जो एसएचओ थे पता नहीं राजा क्या नाम था उनका, राजा अंसर था सजा अंसर, उन्होंने सर रात को वहाँ पे जिरगा हुआ और साजिश के तौर पे मुझे अंदर बंद कर दिया इस्तखासा करके। अच्छा। नुक्से अमल में। अच्छा। अब अगर नुक्सा अमल हो दोनों पार्टियाँ बंद होती हैं। सही। अब मैं कहता वहाँ पे रहा सुबह मेरे वाल साहब अनपढ़ आदमी है उनसे सहन करवाएंगे। अच्छा। कुछ जैली तो अरीरे नहीं की। अच्छा। क्योंकि उन्हें इल्म भी नहीं है ये कैसी तारीर है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है, मतलब ये तो आपको धमकी कौन दे रहा है जान से मारने की? मुझे वो जो आफ्ताब काजमी है उनके साथ हैं। अच्छा वो मुझे जान मारने की धमकी दे रहे हैं। अख्तर हुसैन उनका एक बेटे हैं कासम अली, वो कह